कैसा लगा आपको? तो कुछ नहीं देखने के लिए मिला। क्यों, क्या देखे? तेलुगु नहीं आता मुझे। हमारे का तेलुगु है। तेलुगु में कुछ अच्छा बोलिए इंडिया के लिए। तेलुगु में अच्छा है, मतलब कुछ अपने तरफ से स्पीच दीजिए। कन्नड़ का अच्छा है, तेलुगु को अच्छा है। तेलुगु में कुछ बोलिए अपने भारत के लिए। तो हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश मिलन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुकेश मिलन ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं मरीन ड्राइव पे। देख सकते हैं हमारे पीछे ये मरीन ड्राइव है, और मरीन ड्राइव का नज़ारा इस तरह है। और इधर जाएंगे हम गोलघर देखने के लिए। तो आज का टूर रहेगा गोलघर, गोलघर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ऐसा ही इंटरेस्टिंग और टूरिस्ट प्लेस का वीडियो आपको देखने के लिए मिले। तो फिलहाल अभी सोनपुर मेला का सीजन चल रहा है, मेला का भी ब्लॉग आएगा। तो आप लोग देखिए ऐसा नज़ारा है यहाँ पे ब्रिज के पास। यहाँ पे स्मार्ट सिटी पेंटिंग के साथ उकेरा गया है, देख सकते हैं। इस तरह है अपना गोलघर, बिहार का शान। और चलते हैं, टिकट लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली टिकट ले चुके हैं, देख सकते हैं 10 रुपये का टिकट मिलता है। और पहुंच चुके हैं गोलघर में। और गोलघर में इस तरह का पार्क है, नज़ारा है और शानदार दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। और किड्स लोग, बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? राजवीर। यहीं पर खेलते हो? तो पूरा घूमेंगे गोलघर और आपको दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे भी क्या है हिस्ट्री इसका। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये ऐसा व्यू और नज़ारा है गोलघर का। तो बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ से, देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे ये सीढ़ी है और भाई लोग है दानापुर से। तो दोस्तों, अब चलते हैं नीचे सीढ़ी से और दिखाते हैं आपको यहाँ का और भी जगह जो बाकी है। और पार्क तो है ही यहाँ पे, देखिए बहुत सारे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं और ज़िद भी करते हैं कि मुझे जाना है, गोलघर देखना है, चिड़ियाघर देखना है और गांधी मैदान देखना है। तो आज हम देख रहे हैं गोलघर, और गोलघर का इतिहास बहुत पुराना है, तो उसका एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, पहले आपको दिखाएंगे, घुमाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, पहले भी मैंने दिखाया और अब भी देख सकते हैं। तो बहुत मस्त नज़ारा है यहाँ पे। तो ये किड्स पार्क है, झूला भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए पार्क है, कितना सुंदर सुंदर घास है यहाँ ज़मीन पे। मन करता है लेट जाएँ और सोए रहें, जैसे घर में बिस्तर लगा हो। और यहाँ का मस्त नज़ारा ऐसा है, इस तरह है। और इधर हमारा झूला एरिया है, बाथरूम है, पानी पीने का यहाँ पे टोटी लगा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं, इससे बच्चे किड्स नीचे उतरते हैं, चढ़ते हैं, और वो झूला है। और उधर बच्चे झूल रहे हैं और इधर भी बच्चे हैं। अच्छा, सिमरी बख्तियारपुर से आए हो, ट्रेन से आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, गोलघर घूम लिए पूरा, झूला झूल रहे हो। तो देखिए प्यारा सा क्यूट सा बाबू यहाँ पे झूला झूल रहा है, बख्तियारपुर से आया है। और ये भी है भाई, गांव कहाँ है? गांव बिहार शरीफ से आए हो? अच्छा, क्या नाम है? सोनू नाम है। झूला झूल के मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, कितना बार यहाँ पे आए हो? यहाँ आ गए हैं 5 बार। 5 बार आ गए हैं, बहुत मज़ा आता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो भी आए हैं 5 बार 10 बार ही आए हैं। तो देखिए यहाँ सब का सब झूला झूल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखिए कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पर, देख सकते हैं झूला का। तो देखिए ये सब चढ़ रहा है ऊपर, ऊपर से नीचे उतर रहा है। इसे कहाँ चढ़ रहे हो बाबू लोग? तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के, और ऐसा मज़ा कभी नहीं आया था जैसा यहाँ पे देखने को मिला।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं आधा घूम चुका हूँ और थोड़ा सा बाकी है, तो चलते हैं गोलघर के पास और थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो देख लेते हैं और आपको दिखाते हैं। और इधर देखिए घास तो यहाँ पे बहुत मस्त है और इधर पार्क भी बना हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ झरना है और मस्ताना नज़ारा है यहाँ का। तो थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा ही है और पहुँच गए हैं गोलघर, देख सकते हैं ये है ऊंचा गोलघर हमारा, तो कितना शानदार है गोलघर। गोलघर ये है हमारा गोलघर, बर का पेड़ है जो गर्मियों में धूप में यहाँ पे हम लोगों को शीतल और ठंडा करके यहाँ पे रखेगा, पसीना नहीं आएगा। अभी तो ठंड का मौसम है तो ठंड में तो धूप चाहिए, धूप को खोजेंगे। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे और देख सकते हैं ये गेट है और ये सीढ़ी है और पूरा घूम लेते हैं। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है गवर्नर जनरल एंड काउंसिल 20 ऑफ जनवरी 1784 ईस्वी में ये बनाया गया है और 20 ग्रैनरी और बाद ऑर्डरेट बाय कैप्टन जॉन ग्रहस्टीन इंजीनियर कंप्लीटेड ऑफ ऑन द 20th of July 1986 फर्स्ट फील्ड इन पब्लिकली क्लोज्ड। और यहाँ उर्दू भी चलता है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश और उर्दू में। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा उर्दू का ही इस्तेमाल हुआ करता था। ये सीढ़ी है तो देखिए ये सीढ़ी जाने के लिए, तो इससे जाएंगे ऊपर। तो ये अभी क्लोज है, बंद है और इधर जाना मना हो चुका है। तो देखिए ये है सीढ़ी, इधर से ही ऊपर जाएंगे। अभी थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है और जाना मना है क्योंकि इतना ऊंचा है और पुराना है, तो देख सकते हैं ये, तो इसमें डर लगता है इसीलिए जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो अभी हम नहीं जाएंगे, छोड़ देते हैं, रिपेयरिंग हो जाएगा, कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है, उसके बाद जाएंगे। देखिए हमने पूरा घूम लिया और दिखा दिया। गोलघर बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पीछे पश्चिम में है और 1770 ईस्वी में आई भयानक सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिज के आकार बात करें तो 125 मीटर। बहुत दूर से एक आए हैं मेहमान घूमने के लिए, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। तो मिलिए और देखिए, तो आंटी जी देखिए बेंगलोर से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं देखने के लिए। अच्छा, पटना में क्या है देखने जी, और तारामंडल तो बंद था, इधर आए हैं। अच्छा, और क्या क्या देखे? और जाना है इसके बाद हम बुद्ध गया जा रहे हैं। अच्छा, बोध गया जा रहे हैं, वहाँ भी देखेंगे। उधर गया जी डैम है और बुद्धिज्म है, मंदिर है बहुत सारे हैं और गया टेम्पल है, वो सब भी बहुत घूमिए। और ठीक है, यहाँ एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छा है ये पार्क। उधर झूला भी है, और हाँ झूला है, अभी बहुत लोग झूल रहे हैं वहाँ पे। और इधर ये गोलघर अभी काम चल रहा है, तो बगल में गांधी मैदान भी है, वो घूम लिए। उधर मार्केट बहुत बड़ा लगा हुआ है, कश्मीरी मार्केट लगा हुआ है, कश्मीर से सामान बेचने के लिए आए। ये गांधी मैदान बगल में है, हाँ ये सामान, हाँ पैदल जा सकते हैं, 5 मिनट का रास्ता है। तो आप सब लोग एक ही साथ हैं, हम सोचे आप ही अकेले आए। तो तेलुगु उधर चलता है ना बेंगलोर में? तेलुगु वसुंधरा, तेलुगु नहीं आता है मुझे, हमारे का तेलुगु आए। तेलुगु में कुछ अच्छा बोलिए इंडिया के लिए। तेलुगु में अच्छा है, मतलब कुछ अपने तरफ से स्पीच दीजिए। कन्नड़ का अच्छा है, तेलुगु को अच्छा है। तेलुगु में कुछ बोलिए अपने भारत के लिए। तो भारत में का बहुत बहुत अच्छा है, तेलुगु इंडिया नंबर 1
एमी बेंगलुरु इंडिया इदंता बागुंदे अयिते एमंटे अक्कड फेसिलिटी मन इंडिया उंडे फेसिलिटी एक्कड़ा लेदु बागुंदे तिरगा रेंडोदे फेमस अंटे बेंगलुरु इंता नेनु चेप्तानप्पा अच्छा और तेलुगु का कौन सा फिल्म जो है पॉपुलर आपको लगता है तेलुगु का फिल्म अंदर चिरंजीवी का फेमस चिरंजीवी अर्जुन सज्जा अच्छा एक पवन कल्याण का बहुत बहुत अच्छा है अच्छा जूनियर एनटीआर अच्छा कौन सा मूवी जो अच्छा लगता है आपको कौन सा मूवी कहते चिरंजीव का ना अलो अर्जुन का बहुत बागुंदी अच्छा रोंडो ना सुपर गो अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं मेहमान बिहार में गोलघर देखने के लिए ये पूरा टीम ही है ठीक है और इनका मैं धन्यवाद देता हूँ जो उतना दूर से यहाँ आए हैं घूमने के लिए थैंक ओके थैंक यू कैसा लगा यहाँ गोलघर देख के कैसा लगा आपको अभी तो कुछ नहीं देखने के लिए मिला क्यों क्या देखे कुछ नहीं जो सोच कर आएंगे देखेंगे क्या नहीं देखे ऊपर में अभी थोड़ा रिपेयरिंग का काम हो रहा है ना अगर मान लीजिए ये बहुत पुराना है 1786 ईस्वी में बना है 200-250 साल पुराना हो गया कंक्रीट से बना हुआ है अगर टूट जाएगा गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना तो हम बन रहा अभी ना बन रहा है इसीलिए पूछे कैसा लगा यहाँ देखने को अच्छा लगा ना इधर पार्क है पार्क भी घूमे घूमे कब तक बन जाएगा ये बन जाएगा कम से कम अभी एक महीना तो लगेगा ही लगेगा पूरा ऊपर तक मतलब रिपेयरिंग का काम चलेगा ठीक है चलिए छपरा से यहाँ आए हो तो क्या क्या देख लिया चिड़ियाघर देख कर आए अच्छा कैसा लगा दोनों दोनों अच्छा है बहुत मस्त है ना हाँ मस्त लोग सब आ रहे हैं और शाम का टाइम होने चला है बहुत भीड़ है तो रखते हैं स्टूडियो में इतना ही और बाहर चलते हैं बाहर में देख सकते हैं ऐसा नज़ारा है यहाँ का यहाँ पे खाने पीने का यहाँ से वहाँ तक रेडी भी लगा हुआ है तो आप इधर घूम भी सकते हैं और खाना जो रास्ता है वो भी है तो भैया नवादा से आए हैं राजगीर की तरफ से ठीक है तो भाई लोग आए घूमने के लिए बहुत अच्छा लगा इनको ना ओके तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम है और चलते हैं देखिए पटना मेट्रो का काम अभी चल रहा है और इस तरह काम चल रहा है देख सकते तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें